और ये होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे बाबा जो अपने आप को बोलता है कि मैं हनुमान का अवतार हूँ, कभी बोलता है कि मैं रावण से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो है नजरबंद कर दे या ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे धार्मिक उन्माद फैला रहे हों, तो ऐसे लोग मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नहीं सरकार, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो भाई तुम्हें सुरक्षा की क्या, उनके आसाराम जी के भी जो है भक्त थे ना, वो भी बड़ा मानते थे, इनका भी वक्त आएगा, बड़े बड़े लोग जो है धाराशाही हुए हैं और ऐसे बाबाओं का जो इतिहास आप देख ही रहे हैं तमाम। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल रोड सिवान। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री का आगमन पटना में यानी पटना के नौबतपुर में 13 मई को उनका आगमन हो रहा है और उसके पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है कि बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि क्या धीरेंद्र शास्त्री पटना नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे, तो वहीं तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल जो हैं वो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। उनका कहना है कि अगर बाबा धीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर हम लोग जो है कि उन्हें घेरने का काम करेंगे, पटना एयरपोर्ट पे ही उनको घेर लिया जाएगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ, बताइए क्या कहेंगे। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को आने जाने का और हर जगह अपनी बात रखने का, अपनी सहमति और असहमति दर्ज कराने का अधिकार है। और बाकी बाबाओं का क्या है, बाबाओं का जो है काम है सामाजिक कल्याण में है कि नहीं योगदान देना, लेकिन अगर ऐसे बाबा जो कि समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हों, तो ऐसे लोग मुझे नहीं लगता है कि सरकारी नहीं सरकार की तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो है नज़रबंद कर दे या ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखे जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को समाज के लोग मिल करके ऐसे लोगों का न्योता ना दे, चाहे पटना की धरती हो। सम्राट जी आपने कहा कि उन्हें बंद कर दिया जाए, तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा है कि ये भूले नहीं बिहार में किसकी सरकार है। सरकारें किसी की भी हो, चलिए तेज प्रताप जी की बातों से मैं सहमत हूँ, वो इस बात को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक देश में रह करके तमाम विभिन्नताओं में एकता कायम करने का जो हम लोग काम करते हैं ना, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे बाबा जो अपने आप को बोलता है कि मैं हनुमान का अवतार हूँ, कभी बोलता है कि मैं रावण से बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो भाई तुम्हें सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। BJP वाले मैं सुना कि भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस आदमी को तो सब कुछ मालूम है कि मेरे साथ घटना कौन घटने वाली है। और एक संत महात्माओं को क्या सिक्योरिटी की जरूरत होती है क्या, वो जब इतनी बड़ी उसके पास ताकत है तो आम आदमी को यह समझना चाहिए कि अगर ये आदमी ताकतवर होता तो उसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। पटना आगमन हो रहा है, पटना एयरपोर्ट से उन्हें भारी सुरक्षा बल के बीच में नौबतपुर ले जाया जाएगा। नौबतपुर में जो मठ है उस मठ के अगल बगल बड़ा एक एरिया में पंडाल लगाया जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जो आयोजित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके द्वारा बड़ी तादाद में टेंट लगाया जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। और अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम घर खाली कर देंगे, जो दूर दराज से लोग आएंगे उनको हम अपने घर में रखेंगे, इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। ऐसे उनके आसाराम जी के भी जो है भक्त थे ना, वो भी बड़ा मानते थे, इनका भी वक्त आएगा, बड़े बड़े लोग जो है धाराशाही हुए हैं और ऐसे बाबाओं का जो इतिहास आप देख ही रहे हैं तमाम, ऐसे भारत तो एक इतिहास रहा है जिसमें बहुत योगदान भी रहा है संत गुरुओं का, लेकिन अब ये आधुनिक युग जो बाबा है ना, ये लोग जो है कहीं ना कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि लोगों को बचना चाहिए ऐसे लोगों को, चूँकि सभी के पास अपने बच्चे हैं, अपने परिवार हैं, घर में और भी तमाम लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं
और सम्राट जी क्यों खतरनाक कह रहे हैं, वो न्यूज चैनलों पे आकर के देखते हैं कि चिट्ठी निकालते हैं, पर्चा निकालते हैं, लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि मेरे नाम का पर्चा निकल जाए, आप क्या सोच रहे हैं उससे पहले वो आपके बारे में बता देते हैं, तो कुछ ना कुछ होगा ना उनके अंदर भाई। तो अगर इतना ताकत है तो तमाम लोग, तब ना लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है। नहीं, वो प्यार मिल नहीं रहा है, लोग जो है बहुत सारे इस देश में जो है ना लोग बेवकूफ बनाया गया है ना। मैं उस आदमी को तब कहता जब देश में होने वाली घटनाओं पे वो आदमी आकर के और ऐसे वार्ता करता प्रधानमंत्री से कि हाँ भाई इस तरह की घटनाएं होने वाली है कि नहीं। पुलवामा में भी तो आदमी था ना, अभी एक घटना घटी है उसमें भी वो था, तमाम ऐसी देश में ऐसी आपदाएं आती है उसमें उस आदमी को ये होना चाहिए। देश में इतनी सारी गरीबी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो है जिनके साथ बलात्कार हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है, उनका भी तो लेटर उसको निकालना चाहिए ना, उनका भी पर्ची निकालना चाहिए, वहां पे जाने वाले कहीं क्यों। पूरे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है, मैं कह रहा हूँ चलो आप मुस्लिमों से आपको दुश्मनी है कि नहीं, और तमाम लोग हिंदुओं के बारे में अच्छा करो भाई, आप हिंदुओं में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में भी आप जो है गरीब लोग हैं उनका पर्चा निकाल देते, उनके भविष्य कल्याण कर देते, हम लोग तो यही चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं ना है कि उनका कई सारा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा तो नहीं ना कि हिंदू समाज के लोग हैं इसलिए खुश होकर के उनके प्रति जो है कि अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। वो आदमी अपने आप को नेता बनना चाहता है बहुत कम उम्र में, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नेता बनना? देखिए उस आदमी के देखिएगा, बयान देखिएगा और बॉडी एक्सप्रेशन देखिएगा, मतलब मैं कहूँगा कि शिक्षित आदमी कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेगा। आप देखिएगा क्या उस तरीके से, अगर पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति हो चाहे लड़का युवा ही हो, उस तरीके से उसका लैंग्वेज होता है, उस तरीके से वो बातें करता है, नहीं ऐसे शिक्षित आदमी ऐसे बातें नहीं करता, एक धर्म गुरु भी नहीं करता। अगर मैं मानता हूँ कि अगर हमारे हिंदू में बहुत सारे ऐसे गुरु रहे हैं तो इस तरीके का उनका नौटंकी नहीं रहा है, ये ढोंगी है। अगर इसको नेता ही बनना है, देखिए कुल मिलाकर के इसको मीडिया में छाए रहना है, इसको कहीं ना कहीं तो टिकट मिल जाएगी। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बातें करेगा तो देश में एक ऐसी पार्टी है जो कि उस नाम पर वैसे लोग प्रमोट भी किया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है, और कल को आकर के एमपी का वो चुनाव लड़ेगा और धर्म जो है धर्म का बात करेगा तभी जाकर लोग बेवकूफ़ बनाए रखेंगे। और यही एक बीजेपी के पास एजेंडा है कि ऐसे लोगों को सीट करके रखती है, प्रचार प्रसार करवाती है, लाखों लाखों भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होता है, लोग धर्म के नाम पर अपना खुद पैसा देते हैं, सरकारें भी खर्च कर रही है इस पर। तो भाई इनकी सरकारें हैं, अब ये किसी को प्रमोट करे, किसी को अंदर डाल दे। अच्छा क्या लग रहा है जिस तरह से ये पूरी तैयारी की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, कुछ संभव लग रहा है? नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ लोग बात करते हैं। आप उन लोगों से प्रधानमंत्री इस पर बात क्यों नहीं रख देते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बताने की बात होती है मोदी जी को नहीं आकर के हाँ भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, मतलब हम सभी लोग जो है शुरुआत अगर हम कहीं से कर रहे हैं तो भारतवासी हम सब हैं, कहीं हिंदू का नाम नहीं। एक जगह आप भारतीय संविधान में कहीं जिक्र दिखा दीजिए भारत में कि हाँ ये हिंदुस्तान है, तो ये बेवकूफ़ है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कभी एक गांव बसा करके दिखा दीजिए भाई, एक मोहल्ला बसा करके दिखा दीजिए आप, नहीं होगा यहाँ पर कुछ। और ऐसे जो आदमी परिकल्पना कर रहा है वो बेवकूफ़ है, और ऐसे लोगों की जो है बातें जो है नहीं सुननी चाहिए। फालतू में जो है लोग जो है ना एक सपने सजा रहे हैं। आज हम लोगों की खूबसूरती यहाँ पर तमाम विभिन्नताओं में एकता का है, यहाँ पर तमाम भाषाएं बोली जाती है, तमाम धर्म के लोग हैं, उनका अपना आंतरिक मामला है चाहे जिसको भी माने, लेकिन हम लोग कभी मानव मानव भेद करने के लिए, ये भारत ही पूरा विश्व गुरु जब रहा तो भारत ही उपदेश दिया था सभी को, शांति का उपदेश दिया था। तो ऐसे और ऐसे लोग देखिए ये भी अपने आप को गुरु बताते हैं, ये लोग क्या शांति चाहते हैं? ये कभी भी नहीं चाहते। मीडिया वालों को देखिए कैसे कहते हैं पैंट गीली करवा देंगे, नंगा करवा देंगे, कोई शब्द होता है क्या? अब अगर आपके पास ताकत है, देखिए विद्या ददात विनय है कि नहीं, जिसके पास अगर विद्या रहता है ना तो उसके अंदर नम्रता आ जाती है ना। और ये आदमी घमंडी है और इसको सत्ता का सहन प्राप्त है, इस आदमी को नेता बनना है, ये भी ख्वाब देख रहा है योगी जैसे है ना, और ये होने वाला नहीं है क्योंकि वक्त बदल रहा है धीरे धीरे, अब सभी लोगों को जो है लोग समझ रहे हैं। और मैं बिहार से, अगर बिहार में आ रहे हैं तो मैं कहूँगा तमाम हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखें, ऐसे लोग आकर के और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हो सकता है यही घटना करवा दे कहीं। बिहार में आ रहा है, प्रचार हो रहा है, तमाम तरह की सिक्योरिटियाँ इसके लिए की जा रही है, इतना तो सिक्योरिटी हमारे पुलवामा वाले लोगों के लिए नहीं हुआ था हमारे। एक आखिरी सवाल,
तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम लोग घेरने का काम करेंगे, हम भी अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, अपनी जो सेना है उसे मजबूत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लालू यादव का वो दिन याद करना चाहते हो कि लालू यादव ने रथ रोक दिया था, कहीं ये बाबा को जो है कि अरेस्टिंग करवा दे, इस तरह का मामला? ऐसा नहीं, ये जब वो हमारे समाज में उस आदमी का, संत महात्मा का अगर सभी की छवि है तो वो कोई गुंडा बदमाश थोड़ा है। वो आ रहा है अपना प्रवचन करके जाए है कि नहीं। अगर गुंडा ही करेगा तो फिर ये बिहार है भाई, यहाँ स्वागत सभी का हुआ है ना। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे लालू यादव और नीतीश जी की गठबंधन की सरकार है, और कतई यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, हमारे साथ दीपक सम्राट जी बातचीत कर रहे थे। आगामी 13 मई को पटना से 25 किलोमीटर दूर पे नौबतपुर पड़ता है, वहाँ बाबा धीरेंद्र शास्त्री का आगमन हो रहा है राजधानी पटना में, जिसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष में खूब बयानबाजी का भी दौर शुरू है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बाबा के आने के बाद क्या कुछ हो रहा है बिहार में। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।